क्या आपने कभी सोचा है कि योनिंग मतलब जमाई क्यों आती है? एक्चुअली बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से आती है। ज़्यादा योनिंग दिन भर में 4 से 5 बार योनिंग आना तो आम बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा योनिंग आना तो परेशानी का चिंता हो सकता है। और योनिंग ज़्यादा आना आपके लिए सेहत का चिंता का कारण है, और आप ज़्यादा पानी पिएगा तो आपको आराम मिलेगा। फैक्ट नंबर टू, ट्रक के टायर उठे क्यों होते हैं? एक्चुअली में ट्रक के टायर इसलिए उठे होते हैं, ट्रक पर ज़्यादा लोड लादा जाता है और इनको इस तरह बनाया जाता है कि एक स्विच को दबाने से टायर नीचे आ जाते हैं और इन टायरों में लोड पड़ जाता है, और इससे कोई टायर जल्दी घिसते नहीं हैं। बस इसलिए ट्रक पर टायर उठे होते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, हमारे भारत में सुबह चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय का आविष्कार कब हुआ है? एक कथा के अनुसार करीब 2800 सालों चीनी शासक सेन नुग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे, तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उस पानी का रंग बदल गया और उसकी महक भी उठी, और राजा ने उस पानी को चखा भी तो उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आया, और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। फैक्ट नंबर फोर, फ्रिज का आविष्कार किसने किया है और कब? लेकिन जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तब हम इंसान किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे। फिर सन 1755 में सबसे पहले प्रोफेसर ने फ्रिज को डिजाइन करके बनाया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सन 1805 में ओलिवर इवांस एक अमेरिका में रहने वाले फ्रिज का आविष्कार किया, और फिर इसको और अच्छा बनाने के लिए 1876 में कार्बोन रैंडे फ्रिज को और अच्छा बनाया। फैक्ट नंबर फाइव, BMW का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई? BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्कस होता है, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, और यह एक जर्मन कंपनी है। इस कंपनी की खोज फ्रेंच जोसेफ पॉपअप ने किया था। BMW को हेडक्वार्टर मुनीच नाम के शहर में है, जो जर्मन में स्थित है, और यह वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है। फैक्ट नंबर सिक्स, बैंक में AC क्यों लगी होती है? क्योंकि बैंक में AC इसलिए लगी होती है क्योंकि ATM मशीन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और यह 7 दिन चालू रहती है, और जो चालू रहेगी तो हीट भी होगी, और ATM मशीन ख़राब हो गई और कोई पैसे निकालने 500 रुपये गया और ATM मशीन से 500 से बढ़ती 3000 रुपये निकल आए, तो इसमें तो आपका फ़ायदा होगा लेकिन सरकार का घाटा हो जाएगा। इसलिए बैंक में AC लगी होती है, जिससे ATM मशीन ठंडी रहे और ख़राब ना हो। फैक्ट नंबर सेवन, जीनोनी कंपनी कहाँ गायब हो गई है? मतलब तो ये कंपनी पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई है। एक्चुअली ये कंपनी चाइनीज थी, और यह कंपनी इंडिया में काफ़ी सालों तक राज किया, और इस कंपनी की मशीन ख़राब हो गई थी, जिससे कारण कंपनी को 300 से 400 करोड़ का नुकसान हो गया था, इसलिए हमारी इंडियन कंपनी कार्बन को बेच दिया था। फैक्ट नंबर एट, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है और कब? वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपनी भूमिका दी है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर और जोहन ब्रैंकेनबेकर ने किया है, लेकिन कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बैबेज के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, और कंप्यूटर का आविष्कार करने में पूरा पैसे लगा दिया था। फिर उन्होंने दूसरा आविष्कार करने को सोचा, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो एक जनरल परपोज कंप्यूटर था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा नहीं कर सके, और 1871 में चार्ल्स बैबेज की मौत हो गई। फैक्ट नंबर नाइन, रेडियो का आविष्कार किसने किया है और कब? रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1880 में रेडियो का आविष्कार किया, और सबसे पहले 1918 में न्यूयॉर्क में एक रेडियो स्टेशन में लगाया गया, जिसका नाम था द फॉरेस्ट, पर कुछ दिनों बाद ही पुलिस को पता लगा और उस रेडियो को बंद करवा दिया, लेकिन नवंबर 1920 में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन पर शुरू करने की गवर्नमेंट ने अनुमति दी, और रेडियो पर एडवर्टाइजिंग की शुरुआत 1923 में हुई, और 1936 में भारत में एक सरकारी रेडियो की शुरुआत हुई, जो भारत आज़ाद होने के बाद आल इंडिया में रेडियो या आकाशवाणी बन गया।
फैक्ट नंबर 10। जिम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो आप समझ लीजिए जिम है क्या। जिम एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक्सरसाइज करने के लिए वहां पर कई प्रकार के मशीन होते हैं और जिम के हेल्थ क्लब हैं और फिटनेस सेंटर रूप से भी जाना जाता है। और जिम जाकर हम लोग अपनी वहां पर बॉडी बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिमनेजियम और जिमनास्टिक होता है। फैक्ट नंबर 11। बाय का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय का फुल फॉर्म होता है वी विथ यू एवरी टाइम, मतलब बाय को भी हर समय आपके साथ रहने के लिए कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग अपने जीवन में लगभग सब कोई प्रयोग करता है और बाय का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई किसी को छोड़कर जा रहा है या फिर किसी स्थान को छोड़कर जा रहा हो। फैक्ट नंबर 12 का आविष्कार किसने किया है? और टीवी का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने 1924 में लंदन में किया था। इसके बाद दुनिया का पहला वर्किंग टीवी मतलब चालू टीवी का आविष्कार 1927 में फिगो में फाउनस वर्थ ने बनाया और 1 सितंबर 1928 को दुनिया के सामने पेश किया। और इसके बाद 1914 में बेयर्ड ने कलर टीवी का आविष्कार किया और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की गई। फैक्ट नंबर 13। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब हुआ? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले मार्टिन कूपर ने किया था 3 अप्रैल 1973। इस मोबाइल को दुनिया के सामने पेश किया था और इस मोबाइल को चार्ज करने का समय लगता था 10 से 11 घंटे और बात होती थी 15 से 20 मिनट। और यह इतना बड़ा फ़ोन था और मोटा भी था और आज के फ़ोन इतने छोटे और पतले आते हैं। फैक्ट नंबर 14। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय कपड़े हरे क्यों होते हैं? हरे कपड़े अस्पताल में इसलिए होते हैं कि जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं मरीज के शरीर पर खून ही खून नजर आता है, जिससे हरा कपड़ा डॉक्टर का मन शांत करता है। क्योंकि हरा कपड़ा के अलावा और जब डॉक्टर हरा कपड़ा देखता है तब डॉक्टर के हाथ पैर और घबराहट नहीं होती है। हॉस्पिटल के कोई और कपड़ा के अलावा हरा कपड़ा का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 15। इस शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ है? 1898 ईस्वी में 21 वर्ष का युवक जो एक फायरमैन था अपने बाल झड़ने से बहुत परेशान था। तब उस समय अमेरिका के लोग एक साबुन लगाते थे। जब भी उस लड़के को समय मिलता था उसने रसायन शास्त्र पढ़ने लगा और अपना इलाज ढूंढने लगा। तब उसने वहां डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और 1908 ईस्वी में बाह्य चिकित्सा केंद्र खोला जहाँ वह अपने शैम्पू से लोगों का इलाज किया करता था। 1930 ईस्वी तक वह एक मशहूर शैम्पू निर्यातक बन गया लेकिन वह अपना गंजापन कभी ठीक नहीं कर सका और यह शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ। फैक्ट नंबर 16। आप लोगों ने टीवीएस अपाचे आरटीआर बाइक तो सब कोई चलाई होगी लेकिन क्या आपको पता है कि आरटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीआर का फुल फॉर्म होता है रेसिंग थ्रॉटल रेस्पॉन्स, मतलब ये है कि जोन बाइक आरटीआर में होगी वो बजट सेगमेंट की रेसिंग बाइक। फैक्ट नंबर 17। टीवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई? टीवीएस का फुल फॉर्म होता है थिरुक्को रनगुंडी बेगराम सुंदरम और सबसे पहले साउथर्न रोडवे लिमिटेड नाम की बस की स्थापना की थी। और इसके बाद 1978 में उन्होंने टीवीएस मोटरसाइकिल कंपनी की शुरुआत की। और टीवीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है और यह इंडिया में तीसरा नंबर दो पहिया निर्माण सबसे बड़ी कंपनी है। और इस गाड़ी को चलाने का एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि है ये गाड़ी पेट्रोल बहुत कम पीती है। फैक्ट नंबर 18। केटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? केटीएम का फुल फॉर्म होता है क्रैप्टन हैयूज ट्रूकेन फोगेज एंड मैटी फाफेम और यह बाइक एक ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल कंपनी है जिसकी स्थापना 1934 में ऑस्ट्रियन के मोटर घोफेन में इंजीनियर हैस ट्रूकेन फोगेज ने की थी। और यह बाइक ऑफ रोड के लिए जानी जाती है और इस बाइक की इंडिया में बहुत डिमांड है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि केटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स।